नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं मैहर में। जी हां, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री या यूं कहा जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मैहर में मां शारदा के दर्शन करने। मां शारदा के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। कुछ अहम और ख़ास बातें मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत का नाम महान, मेरा भारत महान अब नहीं रहा, मेरा भारत अब बदनाम हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का ठेका नहीं लिया है, उनके पास धर्म की एजेंसी नहीं है, वो जो चाहें वो करें। तमाम ऐसे मुद्दे जिन्होंने पर उन्होंने खुलकर बोला, साथ ही उन्होंने कोरोना के जो पिछले आंकड़े दिए थे जिस पे उन्होंने कहा था 1.25 लाख मौतें, आज उन्होंने 25,000 मौतें और बढ़ा दी। अब उनका कहना 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में हुई है। एक अहम बात उन्होंने जो बोली है जिसको सबको जानना समझना चाहिए, उनका साफ तौर से कहना था प्रदेश सरकार एक एफिडेविट ले जिनके घर में कोरोना की मौतें हुई हैं, उस एफिडेविट के आधार पर उसको 5 लाख देना चाहिए। मैं जल्द ही एक एफिडेविट कांग्रेस की तरफ से जारी करूँगा जिससे आम आदमी उस एफिडेविट को भरेगा और उसकी लड़ाई मैं अब खुद स्वयं लड़ूंगा। आइए आपको लेकर चलता हूं कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दिखाता हूं उन्होंने और क्या कुछ कहा। नरोत्तम मिश्रा जी चिंता ना करें, वो अपनी चिंता करें, उनके पेट में दर्द होता है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है अगर मैं कोई धार्मिक स्थान जाता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया हुआ है धर्म का? क्या एजेंसी ली हुई है हिंदू धर्म की? हम भी अपनी भावनाओं के अनुसार चलते हैं, हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम सब उनसे कम धार्मिक नहीं है, उनसे ज़्यादा ही धार्मिक होंगे, पर इस धर्म की शोबाजी हम नहीं करते। शो बिजनेस, ये तो मैं सिद्धार्थ जी को हमेशा राय देता हूँ कि आप मध्य प्रदेश का मान उनको का नाम मान करिए, आप बॉम्बे चले जाइए, एक्टिंग करिए वहाँ जाके। हाँ, क्योंकि इतनी एक्टिंग आप कर सकते हो, कोई कर नहीं सकता, तो मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा। महीने में 2-4 दिन के लिए आप वहाँ एक्टिंग करो जाके। और मैंने तो कहा है ये आंकड़े आप लाइए जिनकी मृत्यु हुई है, और जिसकी कोविड से मृत्यु हुई है उसको 5 लाख रुपए मुआवजा दीजिए, उससे एफिडेविट लिखवाइए। मैं जिनके आप मृत्यु हुई है मैं उनसे एफिडेविट लिखवा रहा हूँ, एफिडेविट का ड्राफ्ट मैं भेज रहा हूँ। ये मैं पहली दफ़ा मैहर में कह रहा हूँ। हाँ, जो एक मिनट एक ख़त्म कर लूँ, एफिडेविट दें कि मेरे परिवार के इस सदस्य का की मृत्यु हुई है, और उस एफिडेविट के आधार पर इनको 5 लाख रुपए दिया जाए। अगर ये एफिडेविट गलत हुआ करिएगा कार्रवाई। सब कुछ शासन के हाथ में है। जब मुझे कहा गया जितनी मदद मैंने करी है, मैंने ऑक्सीजन की बात करी, मैंने ऑक्सीजन टैंकर यहाँ आए, मैंने रेमडेसिविर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके सब मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन किया, ये सब जानते हैं शिवराज जी। नारे दो पीएम केयर फंड नारा था केवल, और कितने लोगों की मौत हुई ये बेकार वेंटिलेटर से, कितनी कमीशन ली। जहाँ तक मैंने पढ़ा है बाबा रामदेव ने एलोपैथी के बारे में, उन्होंने कहा कि हमारी योगा और जो आयुर्वेद है इसको इसकी आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए, ये मैंने पढ़ा है। सही बात तो ये है, मैंने नहीं पढ़ा कि उन्होंने एलोपैथी, वो तो पढ़ा है जो मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है, पर मैंने नहीं पढ़ा। पर ये बात कि योगा आयुर्वेद हमारे जो प्राचीन इलाज है, आज भी गांव-गांव में क्या लोग सब अस्पताल जा रहे हैं? आज जो वैद्य है, लोकल वैद्य है, वो इलाज कर रहे हैं। तो ये तो हमारे देश की भी एक प्रकार की संस्कृति है। छवि इतनी बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। और ये उसके बाद जब मोदी जी कहते थे हमने कोविड की लड़ाई जीत ली, कहते थे हम विश्व की फार्मेसी हैं,
और आज कह रहे ग्लोबल टेंडर निकालो, वैक्सीन लाओ। मैं तो शिवराज जी से निवेदन करता हूँ, ये आंकड़े पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखते? इसमें छिपाने की क्या बात, दबाने की क्या बात? आप बताइए हर ब्लॉक में, हर ज़िले में कितने लोगों को वैक्सीन लगा? एक छोटा सा आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका गांव, उसकी उम्र, ये तो एक घंटे में सॉफ्टवेयर बनता है। उनसे नहीं बनता, मैं बनाने को तैयार हूँ उनके लिए सॉफ्टवेयर। ये बता दें कितनी लाशें आई, इसमें क्या परेशानी है? जब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। कोरोना जी, क्या ब्लैक फंगस को सरकार समझ नहीं पाई और इनको ट्रेसिंग भी की, जिस तरह से मध्यप्रदेश में कमी बनी हुई है जो लगातार? अब भारत प्रसिद्ध हो रहा है ब्लैक फंगस से। आज मैंने अखबार में पढ़ा एक व्हाइट फंगस भी निकल आया है। कोई देश ब्लैक फंगस की बात नहीं कर रहे, अपना देश भारत ब्लैक फंगस की बात कर रहा है। ये सब कैसे उत्पन्न हुए, ये सब चिंता का विषय है। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, ये हालात है। जिस प्रकार से इजराइल, वो हिसाब दे, वो जवाब दे, नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार का क्या हुआ? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कितने नारे थे। क्या नारों पर ही देश चलेगा? किसानों को 50% नफा होगा, डॉलर नीचे आएगा, कितना मजाक उड़ाते थे। पेट्रोल का भाव क्या, महंगाई कहां तक पहुंची है, किस ऊंचाई तक महंगाई पहुंची? पिछले अखबार में ही मैंने पढ़ा, पिछले 10 साल या किस मैं भूल गया, मैं इतनी महंगाई नहीं हुई। और ये आंदोलन करते थे शिवराज जी को, तो मैंने कहा जिस साइकिल में, जब हमारी सरकार थी, जिस साइकिल में आप, मैंने कहा साइकिल आप मुझे दे दीजिए, शायद पड़ी हुई आपके पास, जो साइकिल में घूमते थे, कहते थे मैं साइकिल में जाऊंगा, जब 55 रुपये था, अब 100 रुपये पहुंच गया, लगभग 100 रुपये ही तो है, 101 रुपये कुछ पैसे। ये 7 साल की इनकी उपलब्धियां, ये शिवराज सिंह जी की पिछले 17 साल की उपलब्धियां। और एक बात है, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 1,27,000 लोगों की लाशें कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंची है। आज मैं कहता हूं, जो और जानकारी मिली है कि 1.5 लाख लाशें मध्य प्रदेश में शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची है। मैं मानता हूं कि इसका 70-80% कोविड के कारण है, और सरकार के आंकड़े कुछ हजारों में है, कुछ गिनती में है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।